मैं आपके साथ पनीर की बहुत ही सीक्रेट वाली रेसिपी शेयर करूंगी जो अक्सर आपने ढाबों पे खाई जरूर होगी लेकिन कभी इसकी रेसिपी नहीं देखी होगी। तो गारंटेड है इस रेसिपी को ना आप घर में ट्राई करके देख लेना, बिल्कुल सेम ढाबे वाला टेस्ट आएगा जो नॉर्थ के ढाबों पे आता है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात की तरफ। हमेशा इसी ग्रेवी में बिना प्याज लहसुन की ग्रेवी सर्व की जाती है पनीर के साथ और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। ये पनीर की सब्जी ना बिल्कुल मेरे तरीके से घर में बना के जरूर ट्राई करना। चलिए अब बनाते हैं ढाबे वाली पनीर की सीक्रेट रेसिपी। इसके लिए मैंने 350 ग्राम पनीर लिया है क्यूब्स में काट के। पनीर के अंदर अब हम डालेंगे एकदम ताज़ा वाला दही जो कि खट्टा नहीं होना चाहिए, 1 कप के आसपास। अदरक का पेस्ट जो कि मैंने जीरा डाल के मिक्सी में पीस के बना लिया था, थोड़ा सा पानी डाल के 1 चम्मच वो डाल दिया। 1 चम्मच मैंने हरी मिर्ची का पेस्ट जो कि मैंने थोड़ा सा जीरा डाल के इसका भी पानी के साथ पेस्ट बनाया। 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर रंग के लिए और 1/4 चम्मच डाल देंगे हल्दी। हल्दी डालने के बाद 1 चम्मच डाल दीजिए इसमें धनिया पाउडर जो कि बहुत सारा डलता है और 1/2 चम्मच डाल देंगे भुना जीरा पाउडर। साथ ही में 1/4 चम्मच गरम मसाला बिना लहसुन प्याज वाला, 1/4 चम्मच किचन किंग मसाला बिना लहसुन प्याज वाला, 1/2 चम्मच चाट मसाला बिना लहसुन प्याज वाला, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल देंगे और अब इन सबको हाथ से अच्छे से मिक्स करना है। ये जो हमने मसाले का मिक्स बनाया है इसे पनीर को अच्छे से कोट कर लीजिए आराम से, पनीर के क्यूब्स टूटने नहीं चाहिए। देखिए बहुत आराम से हमने मिक्सिंग कर ली है। अब इसमें एक चीज़ और डालनी है, वो है चुटकी भर केसर वाला फूड कलर ऑर्गेनिक वाला जो कि मैंने ऐड कर दिया है। 1 बड़ा चम्मच मैंने इसमें बेसन का भी डाल दिया है, चाहे तो बेसन भून के डाल सकते हैं या डायरेक्ट डाल सकते हैं। और कच्चा तेल सरसों का डालना है 2 चम्मच, तेल को पका के भी डाल सकते हैं लेकिन कच्चे तेल का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है, आप ज़रूर से ट्राई करना। जो लोग सरसों का तेल नहीं खाते वो भी डाल सकते हैं, सब्ज़ी पूरी जब पक के रेडी हो जाती है तो पता भी नहीं चलता सरसों के तेल का, सिर्फ अच्छा टेस्ट आता है। अब इसे ढक के रख देंगे हम करीब 1 घंटे के लिए, या रात को ये मिक्सचर बना के आप चाहें तो फ्रिज में रख दीजिए और मॉर्निंग में अगर बना रहे हैं तो सब्ज़ी बना सकते हैं, या इवनिंग में बना रहे हैं तो सुबह ये मिक्सचर बना के रख दीजिए, चाहें तो इंस्टेंट भी बना सकते हैं। 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल भगोनी में लेके अच्छे से तेज़ गर्म कर लीजिए धुआं आने तक। उसके बाद 1/2 चम्मच उसमें डाल दीजिए जीरा और साथ ही में डाल दीजिए उसके अंदर 1 चम्मच कुटा हुआ मोटा मसाला। कुटा हुआ मोटा मसाला जो होता है उसमें तेज पत्ता, बड़ी इलायची, लौंग, छोटी इलायची, दालचीनी, काली मिर्ची का कूट होता है और साथ में 1 बड़ा टमाटर एकदम फाइनली चॉप करके या फिर कद्दूकस करके ले लीजिए। कद्दूकस करके लेंगे तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, उससे सब्ज़ी की जो कंसिस्टेंसी होती है बहुत अच्छी आती है। अब टमाटर को ना आपको अच्छे से पकाना है। 1/2 चम्मच इसमें मैंने हरी मिर्ची का पेस्ट डाल दिया है फिर से और 1/4 चम्मच अदरक का पेस्ट फिर से डालेंगे और चुटकी भर 2 चुटकी लाल मिर्ची तीखी वाली और 1/4 चम्मच डाल दिया मैंने धनिया का पाउडर, साथ में 2 चुटकी गर्म मसाला ऐड कर दिया है और 2 चुटकी किचन किंग मसाला पाउडर ऐड कर दिया, साथ में 2 चुटकी भुना जीरा भी ऐड कर दिया और इसके अंदर 2 चुटकी चाट मसाला भी ऐड कर दिया और हींग ऐड कर देंगे 1 चुटकी। ये सारा मसाला हमने उतना ही डाला है जितना कि टमाटरों को फ्लेवर देने के लिए ज़रूरी था। इस सब्ज़ी में ना मैं काजू डालने वाली हूँ ना मैं क्रीम डालने वाली हूँ और फिर भी ये सब्ज़ी बहुत ही गजब स्वाद बनने वाली है, इतनी क्या उंगलियाँ चाटते रह जाओगे। 1/4 कप मैंने टमाटो प्यूरी डाल दी। मार्केट में बहुत ही आसानी से आजकल टमाटो प्यूरी मिल जाती है तो वो आप ले सकते हैं, बस ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा खट्टी ना हो वो टमाटो प्यूरी, या फिर घर में नॉर्मल मिक्सी में पीस के टमाटर ले सकते हैं। 1 चम्मच चीनी डाल देंगे या फिर इसके अंदर आप 1 चम्मच टमाटो केचप डाल सकते हैं, हॉट एंड स्वीट वाला मैगी का डाल सकते हैं या फिर कोई सा भी नो ऑनियन नो गार्लिक सॉस डाल सकते हैं जो मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो। चीनी डाल सकते हैं उसकी जगह, या तो गुड़ डाल सकते हैं, शहद डाल सकते हैं, बस थोड़ा सा हमें मीठा टेस्ट देना होता है टमाटर के खट्टेपन को कम करने के लिए। अब इसमें जो हमने मसाला बना के रखा था ना पनीर का वो ऐड कर देंगे। बस अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करेंगे क्योंकि ये जो मसाला है अभी फूलेगा सब्ज़ी को एकदम ड्राई सा कर देगा, तो इसमें पानी ऐड करते जाएंगे। उसी बर्तन में मैंने पानी डाल लिया जिसके अंदर मैंने मसाला बनाया था और ऐड कर दिया। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे ज़रूरत अनुसार सब्ज़ी के अंदर और इसे पकाना है करीब 7 से 8 मिनट। और ये वही सब्ज़ी है जो अक्सर आप हाईवे के ढाबों पर खाते हैं, पनीर की सब्ज़ी। राजस्थान में तो बहुत ही फेमस ढाबे हैं जहाँ पर आपको यही वाली ग्रेवी नो अनियन नो गार्लिक में मिलेगी।
आप इसमें नमक डाल देंगे अंदाजे से, और साथ ही में इसके अंदर मैं थोड़ी सी खटाई ऐड करूंगी, क्योंकि मैंने ना दही खट्टा लिया है ना टमाटर खट्टे लिए हैं। अगर दही और टमाटर खट्टे हों तो हिसाब से नींबू का रस ऐड करिए, आधी चम्मच नींबू का रस ऐड कर देंगे। साथ में बटर जो है सॉल्टेड वाला अगर आप ले रहे हैं तो कम ऐड करिए, उसके बजाय आप चाहें तो इसके अंदर घी जो होता है वो ऐड कर सकते हो। तो मैंने थोड़ा सा बटर और थोड़े से घी का कॉम्बिनेशन करके ऐड किया है, जिससे कि जो बटर के अंदर नमक होता है वो सब्ज़ी को ओवरपावर ना करते। तो ये देखिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा घी ऐड कर दिया है। घी बहुत ही ज़रूरी है लास्ट में, क्योंकि हमने शुरुआत में ऑयल बहुत कम डाला था, और अक्सर जब बेसन ऐड करते हैं तो घी तेल थोड़ा सा सब्ज़ी में ज़्यादा ही लगता है, तब जाके ग्रेवी अच्छे से पकती है। और ऊपर से जब घी की या तेल की तरी आती है आप चाहें तो वो सेपरेट भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार सब्ज़ी को पकाने के लिए ऑयल और घी की तो ज़रूरत लगती ही है। तो ये देखिए ऑयल जो है ऊपर अच्छे से फ्लोट करना शुरू हो चुका है। बस जब पूरा अच्छे से जो हमने इसमें घी तेल ऐड किया है बटर ऐड किया, जब वो ऊपर अच्छे से सेपरेट होके दिखने लग जाए, बस तब हम समझ लेंगे कि हमारी जो सब्ज़ी है वो बनके बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुकी है। जितना भी हमने इसके अंदर ऑयल घी बटर ऐड किया है वो सारा का सारा बिल्कुल अच्छे से सेपरेट हो जाता है। इनफैक्ट आप उसे स्पून से रिमूव भी कर सकते हैं अगर आप से नहीं खाना चाहते तो। तो ये देखिए सब्ज़ी जो है ये बनके रेडी हो गई है, और ये इतनी टेस्टी लगती है कि मैं बता रही हूँ आप उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे, और ज़िंदगी भर इसी सब्ज़ी को हमेशा घर में बनाना प्रेफर करेंगे। और मेहमानों की अगर तारीफ पानी है तो आप यही वाली सब्ज़ी बनाएंगे, गारंटेड। मेरी तो ये चाइल्डहुड फेवरेट है, मैंने जब भी कभी ढाबों पर कोई भी सब्ज़ी खाई है तो मैंने इसी सब्ज़ी को ज़्यादातर ऑर्डर करना पसंद किया है, क्योंकि ये मेरी फेवरेट सब्ज़ी है। और हमेशा मैं ये सोचती थी कि ये बनती कैसे, क्या ट्रिक्स है, क्या राज है कि ढाबे वाली सब्ज़ियाँ इतनी टेस्टी बनती हैं। आप डेफिनेटली सब्ज़ी को जब ट्राई करोगे ना तो आप खुद बोलने वाले हो कि आज तक की सबसे बेस्ट पनीर की सब्ज़ी है जो मैंने आपको बताई है। और प्लीज़ इसे घर में ऐसे ही ट्राई करना, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात सब तरफ ढाबों पे आपको ये वाली पनीर की सब्ज़ी पक्का मिलेगी, नो अनियन नो गार्लिक, जो लगभग ऐसे ही बनाई जाती है। अब जैसे भी बनाई जाती है टेस्ट तो मैंने सेम क्रिएट कर ही लिया है, आप बस घर में ट्राई करके देखना। और जो लोग इसमें प्याज और लहसुन ऐड करना चाहते हैं तो ऑयल में जब हमने जीरा डाला था, मोटा मसाला डाला था, उसी टाइम पे आप चाहें तो इसके अंदर एकदम बारीक काट के फाइनली चॉप करके लहसुन ऐड कर सकते हैं। उसी टाइम पे आप प्याज को भी पका सकते हैं एकदम फाइनली चॉप करके अनियन को, या फिर कद्दूकस करके अनियन को पका के, फिर जो हमने टमाटर वाला स्टेप किया था जो कद्दूकस करके मैंने टमाटर डाले थे, वहाँ से पूरी की पूरी रेसिपी आप सेम तरीके से फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए मिनटों में ये सब्ज़ी रेडी हो जाती है, कोई विश्वास नहीं कर सकता कि आपने इतने कम समय में और इतनी गजब टेस्टी सब्ज़ी बना दी। सेम ही ग्रेवी में आप चाहें तो कोई भी कोफ्ते की सब्ज़ी बना सकते हैं, आप फ्राई करके इसमें आलू डाल सकते हैं। ये देखिए कितनी परफेक्ट ग्रेवी है, बहुत ही परफेक्ट टेक्सचर आया है इस सब्ज़ी को। ना मैं रिकमेंड करूँगी कि प्लीज़ आप ज़रूर से घर में ट्राई करके देखना, क्योंकि ये सब्ज़ी बेस्ट सब्ज़ी है आज तक की पनीर की, मेरी इतनी फेवरेट है। जब भी मेरा मन करता है पनीर की सब्ज़ी खाने का तो यही वो सब्ज़ी होती है जो मैं मिनटों में बनाना प्रेफर करती हूँ। अगर आपको भी ये पनीर की सब्ज़ी अच्छी लगी हो तो चैनल के सपोर्ट के लिए, मेरे मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके मुझे बताना ज़रूर कि आपको सब्ज़ी कैसी लगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नोटिफिकेशन बेल आइकन के साथ, जिससे कि आप मेरी आने वाली नेक्स्ट रेसिपी पहले ही देख सकें।